महिलाओं को अबला समझते हैं ना, उनका जब महिलाएं तबला बजाती हैं ना तो बड़ा आनंद आता है। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है, कैसे मुझे तुम मिल गए भाई। जब अमृता के कैरेक्टर पर यानी उनके चरित्र पर आप सवाल उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि तो वो तो लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से आपका तबला ही बजाएगी। नंबर वन कि जहां पर अमृता और विराट ना चाहते हुए भी एक दूसरे की बाहों में आ गए। अभी ये मामला इस संभल ही रहा था कि देखिए इस सीन नंबर टू भी क्रिएट हो गया, जहाँ पर विराट के घर में फंक्शन हो रहा है। अब जिम्मेदारी दी गई है तो भाई ये पूरी तरह से अमृता ना अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी। उसी जिम्मेदारी को निभाते निभाते इस सीन नंबर दो क्रिएट हो गया। देखिए ये कैसे फिर से वो बाहों में आके गिरी। ऐसा काम करने आई थी और कुछ ऐसा हो गया कि वो वहीं पे फंस गई और वो वापस अपने घर नहीं जा पा रही है। उसी दौरान ये जो फूल गिरने वाला सीक्वेंस हो जाता है, मुझे कुछ काम दिया जाता है और मैं फिसल जाती हूँ। विराट वहाँ पहुँच जाते हैं, लगता है अमृता को ठीक से चलना नहीं आता, वो काफ़ी गिरती पड़ती रहती है और उसके बाद काफ़ी ड्रामा हो जाता है। विराट और अमृता को ऐसे देख के उसकी फैमिली काफ़ी नाराज़ हो जाती है। अब ये नज़ारा बना तो ज़रा विराट के घर वालों का चेहरा देखिए, उनके चेहरे पर तो 12 बज गया है। अब भाई ये खानदानी लोग हैं, उन्हें लगता है कि छोटी सी लड़की एकदम गरीब सी, वो भला विराट के आसपास भी कैसे आ सकती है। विराट की शादी करवाने के लिए संजना नाम की लड़की को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, कराना चाहती हूँ विराट से। सो मैं उसकी फैमिली को लेकर विराट के पास जा रही हूँ और मैं बोलूँ कि आओ विराट से मिलो, एंड सडनली आई एम ऑल्सो शॉक्ड, ये क्या सीन देखने को मिल रहा है इन लोग को, तो मेरी इंसल्ट हो गई है। हम लोग तो इतने बड़े रईस आदमी हैं, रईस लोग हैं, और तुम हो कि दो टके की लड़की को हैंडल नहीं कर पा रहे वगैरह, ऐसे टाइप का डायलॉग्स वगैरह है। सो ये धमाका हुआ है, मेरे लिए बहुत शॉकिंग है और मैं विराट को भी थोड़ा सा डांट देती हूँ। अब दादी जी को, विराट की मम्मी को और बाकी सबको कौन समझाए कि आपके परमिशन की जरूरत ना इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं है। दादी और मम्मी जी आप लोग ना बेकार में ही हाइपर हो रही हैं। विराट की जिंदगी में अमृता को तो आना ही है, तो जब डायरेक्टर साहब इस तरीके के सीन करेंगे तो भाई ये तो एक दूसरे की बाहों में गिरेंगे ही ना। क्यों डायरेक्टर साहब, अब डायरेक्टर साहब तो फेमस है ऐसे सीन क्रिएट करने में। ये तो मतलब कमाल है हमारी राइटर करता धरता मुक्ता डून एंड हमारे एस डायरेक्टर रंजन जी, जो मतलब उनको तो आज तो गुरुजी भी बोल दिया है लोगों ने। रियली सल्यूट सल्यूट टू सर, सल्यूट टू यू, यू आर टू गुड। आप प्लीज कंटिन्यू, मैं शॉट लगाता हूं। अब जाते जाते आपको ये भी जरूर बताएंगे कि इस रोके के फंक्शन में बहुत बड़ा सियाप्पा भी होने वाला है, जिसका पूरा टोकरा किसी और के सर पे नहीं अमृता के सर पे ही फूटने वाला है। बेचारी अमृता, उसे तो पता भी नहीं है कि आने वाले कुछ घंटों में उसके साथ क्या होने वाला है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़,
आपको रखे आगे।